निक अपनी छोटी बहन को ये बोलकर डरा रहा है कि उनकी बेबी सिटर एक मर्मेट है। उनमें से फिश की बदबू भी आती है। अगर तुम उसके ऊपर पानी डालोगे तो वो अपने असली रूप में आ जाएगी। उप्स, प्रैंक हद से आगे बढ़ गया। मिस मोनिका कहाँ गई? जमीन पर स्केल्स गिरे हुए हैं, जैसे कि फिश यहाँ पिघली होगी। और ये पूरा गीला है। शायद निक ठीक बोल रहा था। और ये नहीं रुकने वाला। इसने अपनी बहन के लिए खास डॉक्यूमेंट्री बनाई है। वो अपनी नजरों में एक ऑस्कर विनर है। कैरोलाइन को निक पर यकीन है। उसका बड़ा भाई उसे झूठ क्यों बोलेगा? ये बहुत हैंडसम होस्ट है। इसे मर्मेट्स के बारे में बहुत कुछ पता है। अब सिबलिंग्स अपनी नैनी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए तैयार है। कैरोलाइन को निक के बोले हुए हर शब्द पर विश्वास है। ये मर्मेट को पकड़ने के लिए चेकलिस्ट है। अब कैरोलाइन तैयार है। अब डिटेक्टिव्स केस में ज्यादा ध्यान दे रही है। उन्हें क्लू मिल गया है। यहाँ नैनी की किसी लड़के के साथ पिक्चर है। क्या इसके पास डेट करने का टाइम होता है? और क्या इसके बॉयफ्रेंड को पता है ये मर्मेट है या वो कोई फिशरमैन है जिस पर उसके गाने का जादू हो गया? हम सबको पता है कि मर्मेट के गाना गाते ही फिशरमैन सब कुछ भूल जाते हैं। कैरोलाइन को लगता है कि फिशरमैन को अपने आप बेबी सिटर से प्यार हो गया होगा। वो बहुत अच्छी सिंगर और बहुत प्यारी है। ये रोमियो और जूलियट की तरह सच्चा प्यार हो सकता था। कैरोलाइन फेरी टेल में उलझ गई है। हमें अपने बेबी सिटर को पकड़ना होगा। निक के प्रैंक को कोई नहीं रोक सकता। इसने नानी के इयररिंग को फिश टैंक में डाल दिया, लेकिन वो इसमें नहीं आ पाएगी। कैरोलाइन इस पर पागल नहीं बनी, क्योंकि ये कैरोलाइन का इयररिंग है। निक को अपने प्रैंक्स बहुत ध्यान से प्लान करने होंगे। इसे नहीं पता कि कैरोलाइन इन सब में निक से भी ज्यादा माहिर है। निक फिर से अपनी बहन को डराना चाहता है। बेबी सिटर के ग्लासेस पर सी ग्रेड, पर कैरोलाइन ये नहीं मान रही। ऐसे लेटस सैंडविच अच्छा दिख रहा है। लेटस सी वीट से ज्यादा टेस्टी होता है। और ये मर्मेट का हाथ लग रहा है। आपको क्या लगता है? कैरोलाइन मर्मेट की चेकलिस्ट देख रही है और निक हिंट देकर उसकी मदद कर रहा है। देखो कैरोलाइन पिच फोक। वो बुद्धू बन गई और डर गई। अब निक को अपने हाथों से पास्ता खाना होगा। निक को गलत करने की सजा मिल रही है। कैरोलाइन हमेशा की तरह अपने दोस्तों से चैटिंग कर रही है, लेकिन फिर उसका भाई आ गया और बाथरूम से अजीब आवाजें आ रही है। ये डरावना है। चलो चलकर देखें ये क्या हो सकता है। मर्मेट गाना गा रही है। ये पक्का हमारी बेबी सिटर है, लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते। खैर, कैरोलाइन को प्राइवेसी से फर्क नहीं पड़ता। ये कोई मर्मेट नहीं बल्कि निक का फोन था। ये यहाँ कैसे आया? शायद निक को पता हो। निक का अगला प्रैंक मर्मेट स्कैनर है। कैरोलाइन को यकीन हो गया। अब ये मर्मेट को ढूंढने के लिए घर में स्कैनिंग कर रहे हैं। निक को खुद अपने झूठ पर यकीन होने लग गया है। क्यों ना फ्रिज को स्कैन करें? उन्हें कुछ मिला है। कैरोलाइन जानना चाहती है, लेकिन ये सिर्फ एक फिश है। ये आधी मर्मेट है। तो निक का स्कैनर सिर्फ 50% ठीक रिजल्ट दिखाता है। कैरोलाइन ये ठीक कर सकती है। निक को फिर से अपने किए की सजा मिल गई। चलो अपनी तलाश जारी रखें। मर्मेट के पास वश में करने की पावर होती है। कैरोलाइन किचन की तरफ खींची चली जा रही है। वो हो जूठे बर्तनों का ढेर। कैरोलाइन बर्तन धोने से अपने आप को नहीं रोक सकती। ऐसा लग रहा है उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है। इतने सारे बर्तन धो दिए हैं, लेकिन वो इसका क्रेडिट नहीं ले सकती। ये रहा सीक्रेट। कैरोलाइन अपने बेबी सिटर का मेकअप इस्तेमाल कर रही है। मर्मेट अपनी टेल्स हेयर ड्रायर से सुखाती है। तो बेबी सिटर को ढूंढने के लिए हम इस हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मुझे नहीं लगता कि मरमेड इसे इस्तेमाल करेगी। हम इसे स्केल सुखाने के अलावा और किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? कैरोलाइन को कुछ अलग दिखाई दिया। मरमेड बटन असलियत में एक स्टिकर है। निक ने फिर से उसे पागल बनाया। अब कैरोलाइन इस पर यकीन कैसे करेगी? फिर से अब तो सुधर जाओ निक। कैरोलाइन अभी भी अपनी बेबी सिटर को ढूंढ रही है और निक के पास इसके लिए दूसरा प्रैंक है, शेल। कैरोलाइन हैरान है, ये बिल्कुल चेकलिस्ट की तरह है, लेकिन इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ओशियन में सिग्नल बेकार होते होंगे। अब इसे आवाज आ रही है, ये शानदार है। उसने निक को भी इसे सुनाया। ये सब इसी की हरकत है। एक नॉर्मल हेडफोन से कैरोलाइन को मरमेड के जादू पर यकीन हो गया। शेल फोन पर किसी का कॉल आ रहा है, ये अजीब है। कैरोलाइन ने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। अगर हमारी बेबी सिटर मरमेड है तो हमें सूखी जगह पर नहीं ढूंढना चाहिए। सिबलिंग्स ने बेबी सिटर की फोटो प्रिंट करवाई ताकि वो मिस मोनिका के बारे में सी क्रिएचर से पूछ पाए, और लगता है ये प्लान काम कर जाएगा। उन्हें एक डाइवर मिला, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं हुआ। उन्होंने सारी फिशेस को डरा दिया। इस बार निक मरमेड होने का नाटक करके अपनी बहन को पागल बनाने वाला है, लेकिन इसे पागल बनाना इतना आसान नहीं है। और असलियत में ये मरमेड्स पकड़ती है। निक प्रैंक की वजह से मुसीबत में पड़ गया। मरमेड्स को सोने की चीजें अच्छी लगती हैं। कैरोलाइन अपनी बेबी सिटर को पकड़ना चाहती है। निक अपना खाना खा रहा था, पर फिर तभी वो कैरोलाइन के नेट में फंस गया। अब कैरोलाइन निक के सारे प्रैंक्स का बदला ले रही है। चलो देखें तुम इससे बाहर कैसे आओगे। कैरोलाइन को कुछ मिला है और ये कमाल हो गया। देखो, ये मिस मोनिका लग रही है। वो ट्रूम ट्रूम ट्रिक की वीडियोस देखते देखते सो गई थी। लेकिन चलो शुरू से शुरुआत करें, क्योंकि ये एक उलझी हुई कहानी है। कैरोलाइन ने सबको बोला है कि प्रिंसिपल ने उसे अडॉप्ट किया है। इसे भी यकीन नहीं हो रहा, खासकर इसलिए क्योंकि ये अफवाह है कि मिस मोनिका एक मरमेड है। लेकिन जब से मैं ट्रूम ट्रूम हाई में आई हूँ, मुझे किसी चीज से हैरानी नहीं होती। मरमेड की शैडो यही थी और स्टूडेंट्स उसके पीछे थे, या मैं ये कहूँ टेल के पीछे थे। ये प्रिंसिपल ऑफिस जाने का रास्ता है, ये अजीब इत्तेफाक है। लेकिन अगर तुम्हें शक है कि प्रिंसिपल सच में मरमेड है, तो तुम्हें और सबूतों की जरूरत पड़ेगी। कैरोलाइन, मिया और जैक्सन ने ऑफिस में जाने का फैसला लिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। शायद मिस मोनिका दरवाजा नहीं खुलने दे रही, क्योंकि वो लाइक और सब्सक्राइबर्स के लिए बोल रही है। ऐसा नहीं हो सकता, दरवाजे के आगे कोई नहीं खड़ा, ये दूसरी तरफ से खुलता है। जैक्सन अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहा था, और जब वो ऑफिस में गए, उन्होंने देखा कि कुछ भी अजीब नहीं हो रहा है। मिस मोनिका काम करने में बिजी है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ अजीब है। हर जगह मरमेड से जुड़ा हुआ सामान है। शायद मिस मोनिका सच में एक जादुई सी क्रिएचर है। तो स्टूडेंट्स अपने सवालों के जवाब पाए बिना ही ऑफिस से चले गए। लेकिन क्या इन्होंने बहुत जल्दी हार मान ली? शायद इनकी चाल थी, ये पक्का कहना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि उनके मन में अभी भी सवाल है, हमारी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम ने मरमेड्स के बारे में और रिसर्च करने का सोचा है। वो इस बारे में इतना सोच रहे हैं कि उन्हें हर जगह मरमेड्स दिख रहे हैं। अब हर शेप मरमेड की तरह लग रही है और वो मरमेड के बारे में और सच जानना चाहते हैं। चीजें और अजीब होती जा रही है। जब कैरोलाइन घर पहुंची, वो मरमेड को पकड़कर ये किस्सा ही खत्म कर देना चाहती है। लगता है मोनिका भी नहा रही है, लेकिन कैरोलाइन को शाम के बारे में कुछ याद नहीं है। शावर में जाना भी नहीं, उसे सिर्फ मोनिका का गाना याद है, और गाना बहुत अच्छा था, जिससे वो हिप्नोटाइज हो गई थी। उसे दरवाजे का बंद होना भी याद है। कैरोलाइन ने नहीं देखा कि उसकी मॉम मरमेड है या नहीं, लेकिन पक्का कुछ गड़बड़ तो है। अगले दिन कैरोलाइन के पास मरमेड को पकड़ने का नया तरीका है। उसको एक सपना आया था जिससे वो इंस्पायर हो गई। तो उसने जैक्सन को मरमेड होने का नाटक करने के लिए बोला। वो ये नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है। लड़कियां जानने के लिए उतावली हैं। रिजल्ट चौंका देने वाले थे।
ये रहा अकेला मरमैन जैक्सन। सी की बढ़िया फिश का इंतजार कर रहा है। सब सही चल रहा था, लेकिन फिर जेनिटर बीच में आ गया। उसे गुस्सा आ रहा था कि मर्मेड के साथ डेट पर जाने की जगह जैक्सन झाड़ू और पोछे का सामना कर रहा है। मियाँ ने बोला कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। उसके हिसाब से मर्मेड को पकड़ना आसान है। इसे लगता है कि ये मोनिका को अकेले पकड़ सकती है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। मियाँ को जैसे ही मौका मिला उसने मिस मोनिका पर पानी डाल दिया, लेकिन इससे ये पता नहीं चला कि ये मोमेंट है या नहीं। बस उसे गुस्सा आ गया। अब मियाँ मुसीबत में है। पहले इसे समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ है, लेकिन अब वो मुश्किल में फंस गई है। मिस मोनिका शायद इसलिए नहीं बदली क्योंकि उसने वाटरप्रूफ मेकअप लगाया हुआ है, या शायद ये सच में मोमेंट नहीं है। ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है। सच चाहे जो भी हो, मिस मोनिका कुछ तो गड़बड़ कर रही है। मिया और कैरोलाइन ने जो सबसे अजीब चीज ट्राई की थी वो थी फिशिंग ट्राई करना। वो फिशिंग रॉड लेकर वेंट्स में चले गए। वो क्या सोच रहे थे कि मिस मोनिका पकड़ी जाएगी? ऐसे तो ये बहुत आसान हो जाता। फंस गया है, लेकिन जो फिश उन्हें चाहिए थी वो फिश नहीं। क्या ये फिश है भी? ऐसा लग रहा है कि कोई व्हेल शार्क है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये वेंट्स में क्या कर रहा है। खैर, लगता है इन्हें भी सफाई की जरूरत है। इस मर्मेड के इन्वेस्टिगेशन से मोनिका और कैरोलाइन के रिश्ते पर असर पड़ रहा है। कैरोलाइन को अपनी मॉम पर यकीन नहीं है, जिससे जाहिर है मोनिका को बुरा लग रहा है। उसे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी और वो इसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उम्मीदें असलियत से बहुत अलग है और हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। मिस मोनिका को बस इसकी आदत डालनी होगी। जैक्सन ने लाइब्रेरी में मर्मेड्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है और उसे बहुत अच्छा आइडिया आया। उसने फोन को शेल से जोड़ दिया है ये देखने के लिए कि मोनिका फोन आंसर करेगी या नहीं। उसे पता चला है कि मर्मेड फोन्स की जगह शेल्स इस्तेमाल करती है। अगर मिस मोनिका नहीं उठाया तो पता लग जाएगा कि वो मर्मेड है। जैक्सन को खुद का प्लान अच्छा लग रहा है। उससे मिया और कैरोलाइन को हराने का इंतजार नहीं हो रहा, लेकिन ये काम नहीं आया। किसी ने फोन उठाया है, लेकिन प्रिंसिपल ने नहीं और मर्मेड ने भी नहीं। वैसे इसकी टेल जरूर है। इस छोटी फिश ने जैक्सन से उस लैंग्वेज में बात की जो वो नहीं समझता, फिर फोन काट दिया। क्या जेनिटर मोनिका के सीक्रेट से जुड़ा हुआ है? वो हमेशा बीच में आ जाता है। जैक्सन को मानना होगा कि उसका प्लान बुरी तरह फेल हो गया है। कुछ समय बाद जैक्सन और मिया को लगने लगा कि यहाँ सिर्फ मिस मोनिका ही मर्मेड नहीं है। अगर कैरोलाइन भी मर्मेड हुई तो क्या मर्मेड एक आम लड़के को अडॉप्ट करेगी? शायद कैरोलाइन को अपना खुद का नेचर ही नहीं पता। हमें देखना होगा। जैक्सन और मिया ने एक जाल बिछाया। उन्होंने चेयर पर पानी डालकर इंतजार किया और ये आ गई। कैरोलाइन को तुरंत इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ये निक पर चिल्ला रही है। मिया और जैक्सन बच गए, पर इस बेचारे की किस्मत अच्छी नहीं है। एक और बढ़िया आइडिया है, फिश फूड से मिस मोनिका को अट्रैक्ट करना। मिया को यकीन है कि मर्मेड इसे अनदेखा नहीं कर पाएगी। इंसानों को इसकी बदबू अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये मर्मेड की दुनिया में बहुत पॉपुलर है। मिया ने फिश फूड का जाल बिछाया और मर्मेड के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन प्रिंसिपल अभी तक नहीं आई। चलो चलकर देखें। जेनिटर ने ये सब साफ कर दिया। ये प्लान बिल्कुल अच्छा नहीं था। हम जेनिटर के बारे में हमेशा भूल जाते हैं। हमारे डिटेक्टिव उदास है कि उन्होंने मौका गवा दिया। शायद ये मिस मोनिका ही है जिसने जेनिटर के कपड़े पहने हुए हैं। ओह, मिस मोनिका बहुत मिस्टीरियस है। वो नहीं चाहती कि किसी को इस बारे में पता चले।
लेकिन सब लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं और सच जानना चाहते हैं। कैरोलाइन पहले से बहुत ज्यादा पास आ चुकी है, पर वो फेल होने के भी बहुत करीब है। उसे एक मिस्टीरियस बॉक्स मिला जिसके अंदर एक और मिस्टीरियस बॉक्स था। अगर इसमें मिस मोनिका के मर्मेट होने के बारे में सच हुआ तो कैरोलाइन बहुत नर्वस है, लेकिन वो सच भी जानना चाहती है। उसे बहुत निराशा हुई जब उसे अपनी मॉम की एक अजीब वीडियो मिली जिसमें उन्हें पानी ढूंढने में परेशानी हो रही थी। कैरोलाइन को बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या देख रही है, शायद मोनिका परफॉर्मेंस आर्टिस्ट है। कैरोलाइन बहुत निराश हो गई, लेकिन इसे वीडियो पूरी देखनी चाहिए थी। दोस्तों की किस्मत ये जानने में कि उनके प्रिंसिपल मर्मेट है या नहीं बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो अब कुछ बड़ा करने का समय है। फायर अलार्म उसे रंगे हाथों पकड़ने में काम आएगा। कोई भी इतने सारे पानी से नहीं बच सकता। फायर अलार्म दबाने के बाद ये तीनों प्रिंसिपल को देखने गए। वो पक्का अभी पानी में तैर रही होगी, लेकिन उन्हें एक नोट मिला जिस पर लिखा था कि वो बाहर लंच पर गई है। और नहीं, उनका प्लान फिर से फेल हो गया। वो हमेशा हारते रहते हैं। अगर उन्हें इसके लिए ग्रेड मिलते तो कैरोलाइन को पक्का एफ मिलता। ऐसा लग रहा है कि मोनिका उसे टॉर्चर कर रही है। प्रिंसिपल का मर्मेट होना बहुत अजीब लगता है और कैरोलाइन पूरी तरह खो चुकी है। वो पढ़ाई के बारे में बिल्कुल भूल गई और उसके ग्रेड्स भी खराब होते जा रहे हैं। आपको लगता है असल में मोमेंट्स होती है? हमें कमेंट्स में बताएं। अगली बार ट्रूम ट्रूम ट्रिक पर फिर मिलेंगे।